हेलो दोस्तों, टिकी कोची राइज 2 में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को देखिए फ्लेमिंगो में फ्रेप्रोज का दूसरा नाम फ्लेमिंगो है। ये क्लास 12th वालों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या पढ़ाते हैं, प्रोज पढ़ाते हैं। देखिए ठीक है, ये देखिए प्रोज है। ये प्रोज को जितने भी क्वेश्चन देखिए, इसके 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे उस कहानी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। देखिए लेसन फर्स्ट है द लास्ट लेसन। देखिए लास्ट लेसन की जो स्टोरी है वो क्या है, एक सभी को देखिए 60 ब्रीफ मतलब कुछ छोटे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको आसान। देखिए ये कहानी फ्रांस देश की है। कहाँ की है? एक फ्रांस देश की है। देखिए फ्रांस जानते हैं ना कि कहाँ पर है, फ्रांस देश। नहीं समझ पा रहा सभी को, ये कहानी कहाँ की है? एक फ्रांस देश की है जिसमें एक स्कूल में देखिए मिस्टर हाइमेल नाम का एक व्यक्ति है। मिस्टर हाइमेल देखिए मिस्टर हाइमेल नाम का एक व्यक्ति है जो क्या करता है, एक टीचर है और उस स्कूल में पढ़ाता है। उस स्कूल में क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। इंग्लिश में वो देखिए क्या पढ़ाता है, ग्रामर में वो क्या पढ़ाता है, पार्सिपल। क्या पढ़ाता है? पार्सिपल। ठीक है, पार्सिपल पढ़ाता है क्योंकि उसका नियम रहता है कि वह जो आज पढ़ाता है उसे कल जरूर पूछता और लोगों को ना आने पर बहुत मारता है। ठीक है, उन विद्यार्थियों के बीच में एक छोटा सा बच्चा है जिसे सभी लोग से नन्हे फ्रेंच के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तभी बर्लिन से आदेश आता है कि अब फ्रांस में फ्रेंच नहीं बोला जाएगा बल्कि क्या बोला जाएगा, बर्लिन बोला जाएगा। क्योंकि यह देश जो है फ्रांस को बर्लिन ने क्या कर दिया है, युद्ध में जीत लिया है। सभी कहानी समझ में आ रहा, युद्ध को क्या कर लिया है, युद्ध को जीत लिया है। ओके ठीक है, युद्ध को जीत। अब ये जो है यहाँ अब इस स्कूल में, फ्रांस के स्कूल में अब क्या होगा, यानी फ्रेंच भाषा ना पढ़ाकर बर्लिन पढ़ाया जाएगा। तो ये जो मिस्टर लैम रहते हैं, मिस्टर लैम वो इस नौकरी को 40 साल के बाद देखिए 40 साल के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि फ्रेंच एक सबसे अच्छी सुंदर भाषा है, हम फ्रेंच के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। इसलिए उनका जो आखिरी दिन जो 40 साल के बाद जो इसको छोड़ते हैं उनका आखिरी दिन वो लास्ट लेसन था, पार्सिपल उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने कहा ये मेरा लास्ट लेसन है, आज के बाद हम कहीं नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, कहानी को हम लिख के दिखाते हैं आपको। अब देखिए कहानी को ध्यान से देखिए, ये कहानी देखिए द लास्ट लेसन की जो कहानी है देखिए, हम उसको लिख कर भी देखिए थोड़ा सा आपको मतलब दे रहे हैं ताकि आप पढ़ सकें, उसको देख सकें, आपको बोलने से ना समझ में आए। देखिए ये कहानी फ्रांस देश की है जिसमें एक स्कूल देखिए जिसमें एक स्कूल में एक हाइमेल नाम का देखिए एम हाइमेल है एम 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 हाइमेल नाम का व्यक्ति जो है स्कूल का अध्यापक था जो सभी बच्चों को पार्सिपल देखिए पार्सिपल पढ़ाया था और दूसरे दिन उसे पूछने के लिए सभी लड़कों से कहा। सभी लड़के उनके क्या डर से भयभीत थे। उन सभी बच्चों के बीच में एक नन्ना सा बालक था जिसे लोग नन्हे फ्रेंच के नाम से कहकर बुलाते थे। तभी देखिए यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, तभी बर्लिन से आदेश आया अब फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके स्थान पर दूसरी भाषा पढ़ाई जाएगी। एम हैबिल फ्रांसिसी भाषा के बारे में बातें करने लगे और उसे बताएं कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्कसंगत और हमें यह सुरक्षित रखना चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब किसी हम देश के गुलाम होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस देश की भाषा बोलनी पड़ती है। देखिए उस दिन रविवार था, यम हैमेल को इस स्कूल में 40 साल हो गया था, 40 साल बाद ये नौकरी से छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि वो उस दिन का आखिरी पाठ था। आखिरी पाठ जो क्या था, द लास्ट लेसन था। इसी के नाम पर इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, द लास्ट लेसन पड़ गया। देखिए आप लोगों को आया कि नहीं आया, आप लोग ये हमको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए
अनुली जी, अब 60 क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए 60 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद आप हम देखिए देखिए मैं कहानी बड़ी बताया भी ऐसे ही बता दिया। ओके देखिए क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ विल बी इन द इम्पोर्टेंट। देखिए बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड देखिए एक ऐसा होता है जिसपे कोई नोटिस आती है तो उस पर क्या कर दी जाती है, चिपका दी जाती है। देखिए लास्ट लेसन का, देखिए लास्ट लेसन का 60 क्वेश्चन है जो 33 वर्ड में आपको लिखना है। देखिए इसमें से पहला दूसरा तीनों तीनों क्वेश्चन आपको लिखना है। अब देखिए बात, देखिए इन दोज डेज, देखिए मतलब बताया इन दोज डेज बुलेटिन बोर्ड वाज द फिक्स एट द मेनी क्राउडेड। देखिए बुलेटिन बोर्ड पर जब कोई नोटिस चिपका दी जाती थी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे और पूरी भीड़ इकट्ठा होकर क्या देखती थी, देखती थी कि इसके नाम से देखिए नोटिस आई है। ओके देखिए क्वेश्चन आप लोग फटाफट देखिए लिखिए, तीन क्वेश्चन आपको लिखना है। ओके देखिए आराम आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन नहीं कटेगा, घबराइए मत। देखिए इसी तरह वीडियो बना रही थी क्योंकि देखिए वीडियो उतना छोटा रहे तो लोग देखते हैं, बड़ा बड़ा वीडियो को लोग नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, इसीलिए देखिए हमको इस तरह बनाना पड़ेगा। सब लोग एक जैसे समझदार नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, देखिए कोई भी क्वेश्चन कोई भी लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है तो बिंदास आप उससे पूछे हो और पूछते रहिए हमसे, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि इसका क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए देखिए एक दो तीन को देखो, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। ठीक है फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द मिस्टर हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट हिज लेसन। चलिए अब अगले वाले अगला तीन, देखिए तीन क्वेश्चन होंगे, तीन डाउट लिखवा देते हैं, दो क्वेश्चन लिखवा देते हैं, पाँच क्वेश्चन बहुत हैं। चलिए दो क्वेश्चन और लिख लीजिए उसके बाद से, देखिए दो क्वेश्चन ये लिखिए और देखिए दो क्वेश्चन ये, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट हिज लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। देखिए मैंने बताया था कि यहाँ की जो ये फ्रेंच भाषा बहुत सुंदर भाषा तर्कसंगत भाषा है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि देखिए मिस्टर लैमेंट दैट फ्रेंच भाषा लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ना। देखिए ये है, व्हाट डिड द फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन। देखिए पहले जो है जो पिजन में कबूतर उतर होते थे उसी के तो संदेश वाहक कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका हो गया, जरूर उनको बताइए। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख, देखिए पांच क्वेश्चन 60 लिखवा देते हैं और एक दो लॉन्ग दो तीन तीन क्वेश्चन देखिए लॉन्ग लिखवा देते हैं ताकि आपको आ जाए। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन देखिए लिखिए, व्हाई वाज द फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल। देखिए लास्ट लेसन का देखिए देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है कि द व्हाई वाज द फ्रेंच रनिंग टूवर्ड द स्कूल दैट डे। मतलब फ्रेंच जो रनिंग दौड़ते हुए क्यों आया, व्हाट डिड ही दी नोटिस ड्यूरिंग दी इन दिस बीट, और उस दिनों नोटिस पे क्या चिपकाया जाता था। देखिए क्वेश्चन इसका आंसर लिखिए, देखिए आराम आराम से लिखिए, दो तीन क्वेश्चन लिखवा देते हैं, तीन क्वेश्चन बहुत हैं, तीन क्वेश्चन से आपको आ जाएगा पक्का 100%। देखिए वीडियो छोटा भी हो गया आप लोगों का भी हो गया। देखिए द डे फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड, देखिए उस दिन फ्रेंच देखिए दौड़ते ये आया था कि बर्लिन देश ने क्या किया था, बर्लिन देश ने फ्रेंच पर कब्जा कर लिया। अब स्कूल में क्या चलेगी, फ्रेंच भाषा ना पढ़ाकर बल्कि बर्लिन भाषा पढ़ा। देखिए इसमें ये बातें कहा गया, अब लाइन पढ़िए, लाइन पढ़ के देखिए बताइए जो आपको नहीं समझ में हमको बताइएगा तो आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखिए है, देखिए दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, तीसरा क्वेश्चन लिखिए, देखिए आपको देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए। देखिए हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट द फ्रेंच, देखिए अफेक्ट द फ्रेंच। देखिए कह रहा है कि मतलब कि हाउ डिड अनाउंसमेंट घोषणा करना, लास्ट लेसन के बारे में क्या घोषणा की गई, इसका प्रभाव फ्रेंच पर पड़ा। ओके देखिए सब लोग देखिए ध्यान से देखिए एकदम क्या प्रभाव पड़ा क्या प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए प्रभाव ये पड़ा कि फ्रेंच भाषा को अब नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर क्या दूसरी भाषा पढ़ाई जाएगी। देखिए ये यहाँ बताया गया था। ओके कि नहीं लिख लीजिए आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है।
चलिए और ऊपर थोड़ा क्वेश्चन, आप ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको बताते हैं। चलिए हो गया। चलिए अब इधर देखिए, देखिए दो क्वेश्चन है, देखिए जो तीसरे क्वेश्चन के पूरा कर लीजिए, फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। ओके देखिए आपको अच्छी तरह दिखाई दे। चलिए देखिए, ठीक है, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन भी चौथा भी देखिए, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में देखिए क्या हुआ, हाउ डिड मिस्टर हैमर लास्ट दिस क्लास, अंत में देखिए मिस्टर हैमर के साथ क्या हुआ। ठीक है अब देखिए हो गया, तो देखिए अंत में ये क्वेश्चन आप बताते हैं आपको, देखिए अंत में मिस्टर हैमर के साथ क्या हुआ। देखिए अंत में जो मिस्टर हैमिल थे, उन्होंने 40 साल के बाद ये क्या कर दी, नौकरी छोड़ दी। क्या कर दी उन्होंने, नौकरी छोड़ दी। देखिए आप लिख लीजिए। ओके देखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट हमको जरूर बताएगा। देखिए ओके देखिए बस ये पहला लेसन पूरा हो गया, इतना ही हमको कराना था। देखिए ऊपर वाला का छूटा हो तो ये भी कर लीजिए, देखें छूटा बता दीजिएगा हमको, उसे छूट छूटेगा नहीं आपका। ठीक देखिए आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको बड़ी खुशी है, थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। चलिए अब दूसरा लेसन हम बताने जा रहे हैं, द लॉस्ट स्प्रिंग, कौन सा लेसन है, लेसन का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग है, आप लोग अच्छी तरह लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड द मिस्टर हैमर लास्ट क्लास, देखिए आपकी जो कहानी बताया था, कहानी कुछ जरा भी देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आपको जरूर आ जाएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स बताइए कि ट्रिक भी बताते हैं, चलेंगे आपको। चलिए आपको हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई की छुट्टी ना एकदम नोट खराब मत होने पाए आपका, आपकी नोट एकदम अच्छी तरह बनी रहे। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब अगले वीडियो में आपको देखिए लॉस्ट स्क्रीन बताने जा रहे हैं, उसकी कहानी बताते हैं, उसकी कहानी लिखवाते भी चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, चल रहे ठीक, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।